आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम, अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत या इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये क्या दो वर्ड यूज हो रहे हैं? मुझे किसकी रोकथाम की बात करनी है? अन्याय और कुप्रबंध की, या जिसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या बोल रहे हैं कि कंपनी के जो मामले थे, कंपनी के मामलों की बागडोर सदस्यों के हाथ में होती है और सदस्यों के विचार उनकी अधिसंख्या या बहुमत द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के प्रबंध के लिए संचालकों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है और संचालकगण उनकी अनुमति से ही कंपनी के कार्य करते हैं। हमने देखा मीटिंग जब हुई थी तो हमने सारी चीजें डिस्कस की, तो हमें क्या पता चला कि सब में वोटिंग होती। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कंपनी में बहुमत से क्या किए जाते हैं? सदस्यों के विचार उनकी बहुमत द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के प्रबंधक और प्रबंध के लिए संचालकों की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है और संचालकगण उनकी अनुमति से ही कंपनी के कार्य करते हैं। इस प्रकार बहुमत वाले सदस्य वही कुछ करवाने में सफल हो जाते हैं जो वे अपने हित में ठीक समझते हैं। इस प्रकार इससे कई बार अल्पमत वाले सदस्यों के हित के विरुद्ध में कार्य होने लगता है अथवा उनके साथ क्या होने लगता है? अन्याय होने लगता है। धीरे धीरे संपूर्ण कंपनी में कुप्रबंध फैलने लगता है, जिसका शिकार सबसे अधिक कौन होते हैं? जो अल्पमत वाले सदस्य होते हैं वो होते हैं। अतएव कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि अन्याय और कुप्रबंध की दशाओं में उपचार के लिए वे अधिकरण से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना पर अधिकरण को कंपनी के अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम में धाराएं 241 से 246 के अधीन व्यापक अधिकार दिए गए हैं। क्लियर है? वो क्या बोल रहा है कि क्या है चैप्टर में, पहले मैं समझ लूं कि ये अन्याय या कुप्रबंध क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो होती है वो किसके हाथ, किसके द्वारा चलाई जाती है? हमने देखा हमेशा पर्सन या उसके सदस्यों के द्वारा चलाई जाती है। सदस्य कौन कहाँ से चुने, संचालक कौन चुना जाता है? सारे सदस्य मिलके बोलेंगे इसको बनाना है, उसको सदस्य बना लिया जाता है। अब वो सदस्य बन जाता है तो मेजोरिटी से बनता है, तो जो मेजोरिटी पीपल्स होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं? जो उनके उनके हित में होता है, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है, वो सिर्फ उसी को बोलते हैं कि यही कार्य होना चाहिए। तो जो माइनॉरिटी है या जो बोलना चाहिए क्या है, बहुसंख्या के उनके साथ अल्पमत होते वाले सदस्य होते, समझ लेते हैं कि 10 लोग हैं और 8 लोग बोल रहे हैं कि एक काम होना चाहिए और बाकी 2 लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो वो 8 लोगों के हित में डिसीजन हो गया। तो जो 2 लोग बचे जो अल्पमत थे उनके साथ तो फिर क्या हो गया? गलत हो गया, अन्याय हुआ। तो उसी को अगर कोई ऐसा कभी होता है तो कंपनी अधिनियम मतलब अपने कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है कि हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। कौन से सेक्शन के अंदर? 241 टू 246 में हम क्या कर सकते हैं, उनके सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज एनी एक्ट एक्सरसाइज्ड इन अ मैनर, क्या बोल रहा है, बर्डन सम हार्श और रॉन्गफुल। द टर्म ऑपरेशन हैज बीन एक्सप्लेन बाय द लॉर्ड कूपर। लॉर्ड कूपर के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? द एसेंस ऑफ द मैटर सीम्स टू बी दैट द कंडक्ट कंप्लेन ऑफ शुड एट द लोएस्ट इन्वॉल्व अ विजिबल डिपार्चर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ऑफ फेयर डीलिंग एंड अ वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ फेयर प्ले ऑन विच एवरी शेयर होल्डर हु इंटरेस्ट हिज मनी टू द कंपनी इज एंटिटी टू रिलेट। क्या बोल रहा है? शब्द कोश के अनुसार देखूं तो अन्याय से आशय किसी व्यक्ति के साथ अन्यायी एवं कार्य क्रूरता पूर्वक व्यवहार किए जाने से है। अब हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? लॉर्ड कूपर के अकॉर्डिंग। लॉर्ड कूपर के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो?
मामले के तत्व से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार निम्नतम श्रेणी का है, जो कि उचित व्यवहार के प्रमाण से स्पष्ट पृथक दिखाई देता हो और उचित चलन का उल्लंघन हो, जिस पर कि प्रत्येक ऐसा अंशधारी जिसने विश्वास करके कंपनी को धन दिया हो निर्भर कर सकता है। अन्याय के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी के प्रबंध से संबंधित व्यक्ति कंपनी के सदस्य के प्रति कपट, कर्तव्य भंग एवं दुराचार के दोषी हो। क्या बोल रहा है? मतलब अन्याय का मतलब उसका क्या होता है कि कोई भी मामला, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा इवेंट, जब मुझे क्या समझ में आ रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, दिख ही ऐसा रहा है कि वो कैसा हो रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, जो भी उचित जो एक्चुअल में होना चाहिए उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। प्रत्येक ऐसा अंशधारी जो कंपनी के होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या किया, बिलीव किया है कंपनी पे, तभी उनको क्या किया है, अपना मनी दिया है, तो उनका क्या उन पे निर्भर कर सकता है। तो ये क्या है, अन्याय की परिभाषा। कुप्रबंध का क्या मतलब होता है? देखो ये बता रहा है मुझे कि क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रही थी, सेम उसने एग्जाम्पल दिया है, 100% में से परचेज द असेट ऑफ कंपनी बाय टेकन लोन फ्रॉम अ को कंपनी फॉर द सेम 20% नॉट सपोर्टेड, 80% सपोर्टेड डायरेक्टर को, तो किसकी बात मानी जाएगी जो 80% सपोर्ट कर रहे होंगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट की, कुप्रबंध मतलब क्या होता है। कुप्रबंध का अर्थ या कुप्रबंध से आशय प्रबंधकों एवं संचालकों द्वारा कंपनी के मामलों में की जाने वाली उपेक्षा, उदासीनता, लापरवाही एवं स्वार्थपूर्णता से है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को निरंतर क्षति होने लगती है तथा कंपनी के हितों को गंभीर हानि पहुंचती है। यह लोक नीति के विरुद्ध है। क्या बोल रहा है, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑफ प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और द कंपनी इंटरेस्ट, व्हेन बाय अ रीजन ऑफ मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, द अफेयर ऑफ द कंपनी आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अ मैनर ऑफ प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और द कंपनी, जब वो क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से काम करने लगेंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, और जिससे कंपनी के क्या होता है, हित को, या कंपनी के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, या कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं, या कंपनी की जो गुडविल होती है, उसको क्या हो जाता है, कंटिन्यूअसली वो डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वो अच्छा प्रबंध उसका नहीं है, फिर वो मिसमैनेजमेंट में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल दिखा रहा है, स्टेट टी एन प्लांटेशन कॉरपोरेशन है, तो टी प्लांटेशन कॉरपोरेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सोल्ड बाय डायरेक्टर एट लो प्राइस, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 293(1) एंड वो बता रहा है कि उसने क्या किया, मिसमैनेजमेंट था। हु कैन अप्लाई फॉर रिलीफ सेक्शन 397 एंड 398, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कहीं कुप्रबंध ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो हम किसके अंदर जाएंगे, कंपनीज एक्ट में 241 से 246 तक। ये किसके बारे में बता रहता है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मेंबर हु मस्ट साइन एप्लीकेशन गिवन इन सेक्शन 397 एंड 398 विद शेयर कैपिटल एटलीस्ट 100 मेंबर और 1/10 मेंबर, विदाउट शेयर कैपिटल 1/5, और जो जो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, कौन कौन नहीं कर सकता उसको बाद कंडीशन ऑफ रिलीफ को छोड़ देते हैं। एक्ट प्रिवेंशन ऑफ किससे, मिसमैनेजमेंट, या इससे पढ़ लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अन्याय एवं कुप्रबंध रोकथाम संबंधी अधिकरण के अधिकार, क्या बोल रहा है, राइट ऑफ ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैस एंड मिसमैनेजमेंट। अधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वह निम्नलिखित दो दशाओं में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, पहला अन्याय की दशा में, दूसरा कुप्रबंध की दशा में। आवेदन पत्र कौन दे सकता है, जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि
अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कंपनी के कम से कम 100 सदस्य या सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग दोनों में से जो कम हो, या वे सदस्य जो कंपनी की निर्गमित पूंजी के कम से कम 1/10 पर अधिकार रखते हैं, 1/10 पर अधिकार रखते हैं, परंतु यह आवश्यक है कि उन्होंने अपने अंशों पर देय सब धन चुका दिया हो। तो क्या बोल रहा है कि कौन कौन कर सकता है, किस किस को रिलीफ मिल सकता है इससे, किस किस को प्रिवेंशन या रोकथाम मिल सकती है। जो क्या होगा, अगर शेयर अंश पूंजी वाले हैं तो एटलीस्ट 100 मेंबर हो, या तो फिर 1/10 हो, और अगर कोई बिना अंश वाली पूंजी है तो क्या बोल रहा है, सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 सदस्य होने चाहिए। उसकी जितनी भी संख्या हो बिना अंश वाली पूंजी की, लेकिन उससे 1/5, मतलब 1/5 पोर्शन, 1/5 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितना, 1/5 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके इतने पर्सन होने चाहिए। कोई भी एक या अधिक सदस्य अन्य सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उन सब की ओर से प्रार्थना कर सकता है, वो एप्लीकेशन कर सकता है। कौन नहीं कर सकता, मेंबर हुज कॉल अदर सम ड्यू ऑन देयर शेयर हैव नॉट बीन पेड। क्या बोला उसने, सबसे पहले कि वो शेयर जो अंश पूंजी वाला है, शेयर होल्डर है, लेकिन अगर उसने अपने शेयर्स को फुल्ली पेड नहीं किया है तो फिर वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। हाँ, होल्डर ऑफ लेटर अलॉटमेंट ऑफ पार्टली पेड शेयर, बात वही हो गई। होल्डर ऑफ शेयर वारंट, अगर वो वारंट का है तो वो नहीं कर सकता। कंडीशन ऑफ रिलीफ बताएगा आपकी क्या क्या कंडीशन मिलती है, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रिलीफ मिलता है, या ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी ऑपरेशन क्वा मेंबर्स। अब इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अन्याय की दशा में अधिकरण में आवेदन देना। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्या होती है सिचुएशंस होती हैं, क्या बोलते हैं, आवश्यक उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी ना होने पर, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही हैं कि उसके पास फिर भी उसको कंप्लेन करनी है, अगर 100 सदस्य से कम हो रहे हैं जितने टोटल मेंबर हैं उनसे भी मतलब 1/10 से भी कम हो रहे हैं, और अगर बिना अंश पूंजी वाले हैं और उनके 1/5 मेंबर्स नहीं हो पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो लोग, अन्याय की दशा में अधिकरण में आवेदन देना है, एप्लीकेशन इन ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ जस्टिस। और अन्याय का अर्थ मतलब स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन देना है। यदि अन्य सदस्य अन्याय की शिकायत करते हैं और अधिकरण इस सम्मति का है कि कंपनी के कार्यों का संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है जो लोक हित के क्या है विरुद्ध है, या किसी सदस्य या सदस्यों के प्रति अन्यायपूर्ण है, और कंपनी का समापन करने की आज्ञा देना ऐसे सदस्यों के हित के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, फिर एक वैकल्पिक उपचार किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, अधिकरण के क्या क्या अधिकार हैं, ये किसके लिए बता रहा था, अन्याय के प्राधिकरण की दशा में बोल रहा था कि वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, और उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर एक केस दिया हुआ है। अगर कुप्रबंध की दशा है, कुप्रबंध की दशा है और दिख रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, तो वो उसको कुप्रबंध को रोकने के लिए भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। अगेन उसको उसका क्या करना पड़ेगा, एक स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन देना होगा। अधिकरण के क्या क्या अधिकार है, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए, कंपनी के कार्य संचालन को भविष्य में नियमित करने के लिए उसके पास अधिकार है, कंपनी के किन्हीं सदस्यों के हित या अंशों को अन्य सदस्यों कंपनी द्वारा क्रय किए जाने के लिए, कंपनी द्वारा उक्त अंशों के क्रय किए जाने की दशा में कंपनी की अंश पूंजी कम करने के लिए वो क्या कर सकता है, कंपनी के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को समाप्त कर सकता है। अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको क्या कर सकता है, उनके समझौतों को भी समाप्त कर सकता है। दिखा रहा है कि मेजॉरिटी की, जैसे हमने अभी पढ़ा वो सारी चीज दिखा रहा है, प्रिवेंशन एक्ट हेल्ड एज मिसमैनेजमेंट सेक्शन अंडर सेक्शन 398 दिखा रहा है। ये केस है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि केस दिए हुए हैं, उन केसेस को पढ़ना है। जैसे एक केस दिया हुआ है,
इसमें लिखा हुआ है ऐसे, इसमें भी एक केस दिया हुआ है, आर एन मूर्ति बनाम आईडी कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा का एक केस दिया हुआ है, एक केस इसके लिए कुप्रबंध के लिए एक केस दिया हुआ है, वी जे थॉमस बनाम कुट्टना वन रबर कंपनी लिमिटेड, क्या बोल रहा है, 1984 में के बाद में उच्च न्यायालय द्वारा न यह निर्णय किया गया कि कंपनी द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया जाना उस जिसका कि अंशों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी द्वारा कुप्रबंध एवं अन्याय की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा एक और केस दिया हुआ है, कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड एवं अन्य बनाम नेनी ऑक्सीजन एंड एक्सीटाइलिन प्राइवेट गैस कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था इस केस में, ये अलग अलग केस की इंफॉर्मेशन है, इस केस के बारे में बताती हूँ। इस केस में क्या बोल रहा था, 1968 के बाद में वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अन्याय कुप्रबंध के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कंपनी का समामेलन चार समूहों द्वारा हुआ था, बाद में इन चार समूहों में आपस में विवाद खड़ा हो गया, जैसे ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, सीरियस इन फाइट बिटवीन द डायरेक्टर्स, वो भी एक रीजन हो सकता है। चार चार समूह ने मिलकर क्या किया था, कंपनी का निर्माण किया था, या बोलना चाहिए क्या बोल रहा है, प्रतिवादी कंपनी का समामेलन चार समूहों द्वारा, बाद में इन चार समूहों में आपस में विवाद हो गया, फलतः दो समूहों ने तीसरे समूह के पक्ष में अपने समस्त अंशों के हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया, इसका चौथे समूह ने विरोध किया, इस पर कंपनी ने हस्तांतरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अतएव मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या बोल रहा है कि जो केसेस होते हैं उसके बेसिस पे वो क्या बताते हैं, मेनली अन्याय या कुप्रबंध क्या होता है, जब कंपनी के क्या ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या होता है, जो कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, कंपनी के लिए जो चीज बुरी है, या कंपनी में काम करने वाले मेंबर्स के साथ अगर कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये किस पे बोल रहा है कि कंपनी बनी मेंबर्स से है, कुछ मेंबर्स क्या करते हैं मेजॉरिटी में आ गए, और फिर जो माइनॉरिटी में होते हैं जिनका अल्पमत होता है उनको उससे क्या होता है, लॉस होता है। तो उन सारे केसेस में क्या कर सकते हैं वो लोग, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और उनको क्या क्या उससे बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया। हमने समझा कि सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमने समझा कि अन्याय का क्या मतलब होता है, कुप्रबंध का क्या अर्थ होता है, उसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो मेन दो कंडीशंस हैं उनमें क्या थी, एक शेयर अंश पूंजी वाली कंपनी, अगर शेयर होल्डर शेयर वाली कंपनी है, और दूसरी बिना शेयर होल्डर वाली कंपनी है। तो शेयर वाली अगर कंपनी है तो अगर किसी के पास अंश पूंजी है तो 100 मेंबर मिलके कर सकते हैं कंप्लेंट, 100 अगर मेंबर नहीं है तो जितने भी टोटल मेंबर है उसके 1/10, और अगर बिना अंश पूंजी वाली है तो 1/5 ऑफ जो भी शेयर उसके मेंबर्स हैं कंपनी के। दूसरी चीज, अगर वो कब कंप्लेन कर सकती है, तब जब उसने पूरे शेयर को क्या कर दिया हो, पे कर दिया हो पूरा, ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी पे करना बाकी बच गया हो। फिर अगर दोनों ही सिचुएशन नहीं है फिर भी किसी को कंप्लेन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अन्याय के अगेंस्ट भी वो कंप्लेन कर सकता है, अधिकरण में या ट्रिब्यूनल में जाके क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी कि ये कार्य कैसे लोक हित के विरुद्ध में या कंपनी के विरुद्ध में हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन्हीं एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए इसमें बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, क्या बोलना चाहिए, लॉ केस दिए हुए हैं। एक और केस दिया हुआ है, मानवेंद्र चिटनस एवं अन्य बनाम लीला चिटनस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, एक अन्य 1985 के बाद में प्रतिवादी के दो समूहों में आपस में अंशों के हस्तांतरण के बारे में विवाद था, जो कि पंच निर्णय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, पंच निर्णय हो गया तथा उसकी एक प्रति न्यायालय को प्रस्तुत की गई। धारा 241 के अधीन वादी ने पंच निर्णय को चुनौती दी। प्रतिवादी कंपनी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंच निर्णय हो चुका है, अतएव न्यायालय को अब विचार करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उसे
धारा 241 के मामलों के संबंध में धारा 242 के अधीन आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कई बार पंच से निर्णय ले गए तो भी 241 में 242 में ये प्रोविजन है कि वो उस क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी अगेन क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, उसके पास राइट है। मेनली हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है कुप्रबंध और क्या होता है अन्याय। समझ में आया सभी को? अन्याय, कुप्रबंध या ऑपरेशन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, किस सिचुएशन में ये होता है, कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है और वो एप्लीकेशन दे उसके पास क्या क्या अधिकार है। बस इस चैप्टर में यही है। क्लियर है सभी को?